दोस्तों, ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी। उसका परफॉर्मेंस मिला जुला रहा था, जहां वह 14 मैच में से 7 मैच जीत पाई। जबकि ऋषभ पंत की वापसी से दिल्ली की टीम बहुत मजबूत लग रही थी और पंत टीम की उम्मीदों पर खरा भी उतरे और दिल्ली के टॉप स्कोरर रहे, लेकिन ये टीम एकजुट होकर नहीं खेल पाई। खैर, अब दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 में दमदार वापसी के इरादे से उतरेगी। इसके लिए उसे मेगा ऑक्शन में अपनी टीम को दमदार बनाना होगा, लेकिन उससे पहले डीसी को 4 खिलाड़ी रिटेन करने हैं। अब सवाल है कि कौन से 4 खिलाड़ियों को दिल्ली रिटेन करेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से होंगे वो 4 खिलाड़ी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं दिल्ली कैपिटल्स के बड़े फैन, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दिल्ली कैपिटल्स के टॉप 4 रिटेन प्लेयर्स। तो पहले खिलाड़ी इस लिस्ट में है कप्तान ऋषभ पंत। कार एक्सीडेंट से उबरकर ऋषभ पंत ने काबिले तारीफ परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि वे आते ही आईपीएल 2024 में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और टी20 वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। पंत ने न सिर्फ आईपीएल 2024 में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा 446 रन बनाए, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप में भी शानदार बल्लेबाजी और शानदार विकेट कीपिंग कर टीम इंडिया को चैंपियन बनाया। ऋषभ पंत पिछले कुछ सीजन में कप्तान के रूप में भी निकल कर सामने आए हैं, इसलिए उनका रिटेन होना कन्फर्म है। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी जिन्हें दिल्ली रिटेन करेगी वो है अक्षर पटेल। युवा खिलाड़ियों से सजी दिल्ली कैपिटल्स में अक्षर पटेल गिने चुने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से एक हैं। पिछले 3 सीजन में उनका बैटिंग बॉलिंग दोनों में परफॉर्मेंस शानदार रहा है। टीम इंडिया के लिए भी लगातार खेल रहे हैं और दमदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मुश्किल में फंसी अपनी टीम को 31 गेंद में 47 रन ठोककर संकट से निकाला था और टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में बड़ा रोल निभाया था, इसलिए अक्षर पटेल को दिल्ली किसी भी हाल में रिलीज नहीं करेगी। वहीं तीसरे खिलाड़ी जिन्हें डीसी रिटेन करेगी वो है कुलदीप यादव। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव वर्तमान में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में इन्होंने भी अपना अहम योगदान दिया था, जहां रोहित शर्मा ने कुलदीप को तुरप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया था। कुलदीप को रोहित ने एक भी लीग मैच नहीं खिलाया था, सीधे नॉकआउट मैचों में कुलदीप को उतारा गया। टी20 वर्ल्ड कप के 5 मैचों में कुलदीप ने 10 विकेट चटकाए, इसलिए कुलदीप यादव का रिटेन होना पक्का है। फिर चौथे खिलाड़ी डीसी के रिटेन लिस्ट में होंगे ट्रिस्टन स्टक्स। चौथे खिलाड़ी के तौर पर किसे रिटेन करें, इसे लेकर दिल्ली जरूर असमंजस में रहेगी, क्योंकि ट्रिस्टन स्टक्स और जैक फ्रेजर मैकगर्ग इन दो ओवरसीज बल्लेबाजों ने आईपीएल 2024 में जमकर रन बरसाए थे। मेरे हिसाब से दिल्ली स्टक्स को रिटेन करना चाहेगी, क्योंकि स्टक्स 2 आईपीएल सीजन खेल चुके हैं, 26 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले हैं, जबकि जैक ने केवल 2 ओडीआई मैच खेले हैं। स्टेप्स साउथ अफ्रीका की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे, इसलिए ट्रिस्टन स्टेप्स ही डीसी के चौथे रिटेन खिलाड़ी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन 4 खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स मेगा ऑक्शन 2025 से पहले रिटेन करने वाली है। आपके हिसाब से कौन से 4 खिलाड़ियों को डीसी रिटेन करेगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।